ये है Realme 11 Pro और ये है Realme 11 Pro Plus जो ऑफिशियली जून में लॉन्च होने वाले हैं। बात करते हैं सिमिलैरिटीज की, तो दोनों में ही सेम डिजाइन के साथ सेम 6.7 इंच 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले विद 950 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड HDR 10 प्लस सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों में आपको MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर जो एक रीब्रांडेड Dimensity 1080 है देखने को मिलेगा। अप टू 12GB रैम एंड 512GB स्टोरेज आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिलेगा और दोनों में ही ब्लैक ग्रीन एंड गोल्ड कलर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो Realme 11 Pro में आपको 100 मेगापिक्सल प्राइमरी OS प्लस 2 मेगापिक्सल यूजलेस मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको Realme 11 Pro प्लस में 200 मेगापिक्सल OS प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल यूजलेस मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको Realme 11 Pro में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और वहीं पे Realme 11 Pro प्लस में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। हालांकि दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, पर Realme 11 Pro में आपको 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा और Realme 11 Pro Plus में आपको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, तो Realme 11 Pro आपको 23,000 के अराउंड देखने को मिलेगा और Realme 11 Pro Plus आपको 27,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। तो अब सारी डिटेल्स देखने के बाद आप Motorola या Realme में से कौन सा चूज करोगे कमेंट्स में मुझे बताओ।